हैदर आप देख रहे हैं सिद्धराज डायरी, ये है सिद्धराज जो कि खड़ी है एक स्टूल पे, वरना वो बहुत वो हो रहा था, वो बहुत हाफ सेट को जो है पूरा सेट करने के लिए हमें नीचे स्टूल पे रखना पड़ा। बट पॉइंट इज कि हम यहाँ पे क्यों खड़े, इसकी वजह ये है कि जिस कमरे में हमारा टीवी है वहां पे थोड़ी देर पहले हम खुदा और मोहब्बत देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं तो वहां पे रेडिएक्टिव वेव्स जो होती हैं, तापकारी मादा शुआएं बदरूहे जिन्नात चुड़ैले सब आ गई थी, नहीं क्योंकि पीर फकीर सब 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 डब्बा पीर, असल पीर की बात नहीं, डब्बे पीर जितने भी होते हैं वो सब फीदी वाले पीर, फीदी वाले उस कमरे में इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया था कि हमसे रहा नहीं गया, हम बाहर लॉबी में आ गए, आपको एको भी आ रही होगी बट डजंट, हमें सांस लेना था, हमें सांस भी आ रही थी, तो हम बाहर आ गए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर तक कि वापस उस कमरे में जाएं, उसी एक स्टार कमरे में जाएं और जाके रिव्यू करें क्यों उस ड्रामे को, क्यों क्यों करना है, क्यों आप लोग देखना बंद ही कर रहे हैं, हमें भी देखना पड़ रहा है। 40 मिनट के ड्रामे के अंदर सिर्फ फ्लैशबैक है, सिर्फ 7 मिनट का ड्रामा है, वो भी चाकू, लाइक क्या है ये, ये कम से कम चाकू लेटर हो ना, आओ चलते हैं, टेक यू टू द क्या हमारी जो जगह है, हमारी जगह, हमारी जगह। तो जी हम आ गए हैं वापस अपनी पुरानी अपनी जगह, उस जगह पे। अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे शुमाएं थी, यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेव्स थी, यहाँ पे गैमा रेस थी, यूवी रेस थी, वो तमाम चीजें थी जिससे आपकी दिमाग की नसें फट सकती हैं, जिससे आपका जो नहीं, जीवन है नहीं, वो भाई अजीर्ण हो सकता है। बस एक ही कंप्लेन है कि पूरे एपिसोड में अगर आई थिंक कितना 40 मिनट्स का या 35 मिनट्स का जो भी था एपिसोड था, उसमें सिर्फ और सिर्फ देखने वाले टोटल आई थिंक गिन के 8 से 10 मिनट थे। एग्जैक्टली, वो भी वो एक सीन, हाँ वो एक सीन जहाँ पे वो एक सीन क्या उससे पहले जो एक जेन्युइन रिएक्शन होता है। ओके सो जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था कि अगर आप लोग देख लें कि अली के देखते वक्त क्या एक्शंस होते हैं तो यू विल एंजॉय इट मोर। तो कुछ ऐसी चीजें जो कि मैंने अपने एडिटर से कह के डलवाई हैं और क्या? वो अली के रिएक्शन क्या बताओ क्या वो आज जो देख रहे थे, आई वाज मेकिंग वीडियो ऑफ यू, हाँ, और उसके लिए जो आपने सब आके, लेकिन थैंक गॉड कोई अभी, ये किस सीन पे था, वही अच्छे वाले सीन पे, अच्छे सीधे को मार रहे होते हैं, अच्छे नॉट अच्छे वाला उस तरह से, मतलब सीन वो बहुत अच्छा, द ओनली सीन दैट वाज वर्थ वाचिंग, सो इंटेंस, पहले आप देखें। अच्छा दिल दिल नहीं लग रहा बड़ी छेती बाबे और उन्हें याद आया नहीं लग रहे आपकी दुकान दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है लेकिन मशवरे सारे डेटो वाले दिए बाबू ने इसको उसके घर भी भेजिया न्याज के चक्कर च ओली डेट भी मरवाई तो कह रहा तेरा दिल नहीं लग रहा ये तुमने कब रिकॉर्ड किया है? देखो जरा ये मैंने रिकॉर्ड किया था जब आप देखो मैं कितनी डूब के देख रहा होता हूं डूब के कोई नहीं देख रहा डूब के फोन देख रहा था मैंने बताया मैंने कहा मेन सीन आ गया अब देखो तो मैंने वो देखा तो खैर अलबत्ता लेट्स दैट्स द ओनली सीन वी गोइंग टू टॉक अबाउट ओह यस बिकॉज़ दैट वाज द ओनली सीन जो कि था बाकी ड्रामा तो पूरा फ्लैशबैक था फ्लैशबैक चल रहे हैं तो व्हाट एक्टिंग व्हाट पिक्चराइजेशन पूरा सीन
जिसका वो आता है जहाँ पे. अच्छा वन मोर थिंग, फिरोज खान लुक्स रियली हैंडसम इन दिस सीन. पता नहीं मौत का नूर आया. हाँ वो कहते हैं वो मरण मिट्टी जड़ी होती है अल्लाह वगैरह, लेकिन ही लुक्ड रियली नाइस उन पे. चाहे वो ब्लैक अटायर और अब वो प्रॉपर दाढ़ी वाली उन्होंने सेपरेट की हुई थी, अच्छे लग रहे थे. सो द इंटायर सीन वो जो आता है दिलावर चाकू मारता है, और वो जो एक वो था ना, एक तो ओवर एक्टिंग नहीं थी जो बेस्ट पार्ट था, इतनी नेचुरल थी. और फिर उसके बाद जो दिलावर का रिएक्शन था दैट वाज ब्यूटीफुल. और इवन फिरोज खान का वो जो देखना, उसको देख के वो कंफ्यूजन में था कि ये कैसे और ये क्यों और कैसे. एंड द वे ही फॉल्स, और दिलावर चीख रहा है, पीछे म्यूजिक था वो म्यूटेड थे, इज वेरी नाइसली डन. नाउ कमिंग टू द फ्लॉज, एज ऑलवेज जागीरदारनी जी को क्या हुआ है? She has fallen in love with the boy all of a sudden and फिर एक और दुख. She's fighting for him. मेरा दुख. Yep. फिर वो अब तो पता नहीं वाकई में शर्म आने लगे. फिर उसके बेचारे गरीब माँ बाप को उसके माँ बाप ने नहीं है क्या? तैमूर भाई जान पीर साहब क्या कर रहे हैं? बट नूर भाई आप एक करेक्टर की बात करो, आप ये क्या कर रहा है? बड़ा पीर जी को छोड़ दे, वो तो चले गए, ये तो गंदी खबरें देने के लिए. नहीं वो तो चले गए. तैमूर साहब जो है, तैमूर शाह, तैमूर शाह जो भी हो, नहीं तैमूर नहीं, क्या नाम, सिकंदर, सिकंदर भाई जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गए. दिलावर मुझे नहीं पता ऑल ऑफ अ सडन वहां पे कैसे आ गया, और सिकंदर भाई की इतनी टेंशन, वो भी आ गए. दिलावर को तो बंदे पकड़ के ले गए थे यार, उसको कहां अस्पताल पहुंच गया, छोड़े मुझे समझ नहीं आया. सिकंदर साहब को छोड़ छाड़ के चलो जी आपको बहुत हुआ, आपने किसी बंदे को भेज देते, इस तरह के लोग जाते नहीं होते. खैर वो भी आ गए हैं. आगे आप देखेंगे प्रोमो से नजर आया रुमाना बाजी भी पहुंच रही है, उधर जागीरदारनी जी जा जाके पिट पिट रही है कि माँ उसके साथ ऐसा नहीं करो, उनको मिला दो, मिला दो, ये कर दो यार. आप किसी की बेटी के पास जाओ और कहोगे जी तुम्हारा वो जो था आपका जो मुलाजिम था अब वो याद कर रहा है, छोड़े अगर आप इवन इफ यू टेल समवन कि यार जाओ जाके अपनी बेटी की शादी किसी मलंग से कर दो, क्यों करेगा? नहीं करेगा भाई, क्यों करेगा? करेगा भाई, बिसाइड्स के वो पीर शीर है उसको भी भूल जाए. पीर कहां यार, कोई है पीर वो, अगर नहीं पीर जो माही की फैमिली वाले, हां उनको भी छोड़ दे. एक नॉर्मल बंदे से भी अगर आप किसी से पूछोगे ना कि यार तुम्हारी बेटी को किसी मलंग से शादी करनी है, क्यों करवाओगे आप? नहीं होता, पॉसिबल पॉसिबल नहीं है. और जागीरदारनी जी का इतना ओवर होना, इतना वो ही हा उफ, समझ से बाहर है मेरी ये सारा कुछ. तो मैं तो सिर्फ इसलिए देख रही हूँ, चलो मुझे लग रहा है कि अब ये होपफुली ख़त्म होने वाला है, अल्लाह करे. तो ओवरऑल अगेन इस एपिसोड में कुछ नहीं था सिवाय उन 7-8 मिनट के, तो जिन्होंने नहीं देखी वो सिर्फ फॉरवर्ड कर करके देखिए. हमने फॉरवर्ड करके देखा है, ट्रस्ट मी, फॉरवर्ड करके देखिए. लेकिन आपसे क्वेश्चन है हमारा, फीदी बचेगा कि मर जाएगा? आई थिंक ही इज गोइंग टू डाई. इनको बताने देना, मुझे तो ये लगता है. आपको क्या लगता है? एक काम करते हैं, मेरा भी सही ख्याल है, मुझे लगता है कि मर जाएगा. और मुझे कुछ ना फील आ रही है वो रोमियो जूलियट वाली, उधर रो मरेगा उधर माई मर जाएगी. अगला एपिसोड तब बनाएंगे जब आप हमें बताएंगे. इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और क्या करें, कमेंट करें, कमेंट करें, डू गिव योर फीडबैक, वी विल बी वेटिंग फॉर इट. जिन्होंने नहीं देखा वो देखें सिर्फ वो 7 मिनट, और जिन्होंने देख लिया है वो हमारी तरह रिव्यू देखें. तो अपना ख्याल रखें, एंड लेट मी नो इफ यू एंजॉयड अली के रिएक्शन, तो फिर मैं और छुप छुप के रिकॉर्ड करूंगी. पूरे काज कैमरे लगे होंगे. ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज़.